धर्मांतरण मामले में ईडी की रेड, दिल्ली की बाटला हाउस में मौजूद उमर गौतम के ऑफिस पर ईडी की छापेमारी। उमर का दावा, इस्लामिक दावा पर भारी पुलिस बल की तैनाती। धर्मांतरण मामले में कई दस्तावेजों को खंगालने पहुंची ईडी की टीम। पूर्व एसपी सांसद रामकिशन यादव ने जिला पंचायत सदस्यों के पैर छुए, क्रॉस वोटिंग ना करने के लिए सदस्यों के पैर पर गिरे। पूर्व एसपी सांसद भतीजे के पक्ष में वोटिंग के लिए पैर पड़े, पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद के भतीजे, वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुआ हंगामा, बीजेपी और एसपी समर्थक भिड़े, एसपी समर्थकों ने फर्जी वोटिंग का लगाया है आरोप। यूपी पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव, पंचायत चुनाव में बीजेपी को हार का डर है। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, हमारे उम्मीदवारों को ना डरा पाए हैं ना डरा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आज, 53 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में निर्विरोध चुने गए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, इटावा छोड़कर 21 जिलों में बीजेपी ने मारी है बाजी। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में बीजेपी का समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला, कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट पर पुलिस। पीएम मोदी जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करेंगे वाराणसी का दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का भी लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जुलाई को वाराणसी जाएंगे, कॉरिडोर के काम का लेंगे जायजा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा नया नेतृत्व जनता के साथ नाइंसाफी और विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे वाली प्रथा को खत्म करेगा। चुनाव आते ही अखिलेश यादव को याद आए भगवान, काशी विश्वनाथ के दरबार में अखिलेश लगाएंगे हाजिरी, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। सावन के पहले सोमवार को अखिलेश यादव बाबा विश्वनाथ पर करेंगे जलाभिषेक, आगामी चुनावों को लेकर चुनावी रणनीति पर नेताओं से करेंगे बात। यूपी चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस नेता के भड़काऊ बोल, लोगों को बंद पड़े स्लॉटर हाउस खुलवाने के लिए उकसाया। जनसंख्या पर बीएसपी नेता हाजी शकील का विवादास्पद बयान, बढ़ती जनसंख्या को बताया अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की रहमत। मायावती ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा, कहा पंजाब में बिजली संकट के लिए जिम्मेदार पंजाब की सरकार। देहरादून में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम के नाम पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया, देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन, ईडी ने देशमुख को भेजा तीसरा समन। ईडी ने 5 जुलाई को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए बुलाया, अभी तक 2 समन के बाद भी पेश नहीं हुए देशमुख। वैक्सीनेशन पर एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, एक ड्राफ्ट ट्वीट कर लिखा कहां गए वैक्सीन। सरकार सिंगल डोज वैक्सीन के लिए जॉनसन एंड जॉनसन से कर रही है बातचीत, वैक्सीन का प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई में ही किया जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में कमी, कोरोना के 44,111 नए मामले, एक दिन में 57,477 लोग हुए डिस्चार्ज। 24 घंटे में 738 मरीज की मौत हो गई, एक्टिव मरीजों की संख्या 5 लाख से कम पहुंची, अब तक 34,46,00,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। दिल्ली में छूट मिलते ही फिर दिखने लगी लापरवाही, ओखला मंडी में खरीदारी के लिए जुटने लगी भीड़। दिल्ली के ओखला मंडी में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। उधर देश के मुरादाबाद मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। आधिकारिक तौर पर भारत बायोटेक ने जारी किए कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे, डेल्टा वेरियंट पर 65% से ज्यादा वैक्सीन कामयाब। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को पसंद आने लगी है तानाशाही, कहा चुनावी लोकतंत्र से अच्छा है चीन का सिस्टम। इमरान खान ने उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर चीनी नीति को सही बताया, कहा उइगरों का मामला उठाने वाले पाखंडी जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधे। चीन को सीडीएस विपिन रावत की सीधी चेतावनी, कहा पूर्वी लद्दाख में यथा स्थिति बहाल नहीं हुई तो चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं। थिंक टैंक के कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत ने कहा पूर्व लद्दाख में हमारे जवान तैनात हैं, क्षेत्र में शांति और स्थिरता दोनों देशों के हित में है। रूसी सेना के जवानों ने दिखाया अपना दम, सैन्य अभ्यास में आर्टिलरी फायरिंग के दौरान रूसी सेना के जवान लक्ष्य को साधते दिखे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, जोरदार टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में मरने वालों में पति पत्नी के साथ ही 4 साल का मासूम बच्चा भी शामिल, मौत का खौफनाक खेल सीसीटीवी में हुआ कैद। कोलकाता के लेक टाउन इलाके में भीषण आग, जया सिनेमा हॉल में लगी आग में एक महिला झुलसी, हालत गंभीर।
आग से पूरा सिनेमा हॉल जलकर राख। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज स्टेशन के सामने आई डराने वाली तस्वीर, दौड़ती ट्रेन से उतरने के चक्कर में एक शख्स की जान जाते जाते बची। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची शख्स की जान। चलती ट्रेन में उतरने के दौरान शख्स का पैर फिसला और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटकने लगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम 11 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे और 25 प्लांट का करेंगे भूमि पूजन। 5 दिन का होगा बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र, 26 से 30 जुलाई तक चलेगा सत्र। नीतीश कैबिनेट में की बैठक में फैसला लिया गया। बिहार के छपरा में जदयू नेता का डर्टी डांस का वीडियो वायरल, ट्रैक्टर के ट्रॉली पर नेताजी ने बार बालाओं के साथ किया डांस। राजस्थान के श्री गंगानगर में युवक पर जानलेवा हमला, दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से की युवक की पिटाई। जापान के अटामी में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, राजधानी टोक्यो से 65 मील दूर है अटामी शहर। अटामी से पहाड़ से गिरा मलबा पूरे शहर को बहा ले गया, लैंडस्लाइड के बाद 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मैक्सिको की खाड़ी में समंदर के अंदर गैस पाइपलाइन लीकेज से लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी जारी, अमेरिका पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर लौट जाएंगे सभी सैनिक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा खुला रहेगा हवाई हमलों का विकल्प।